नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए और फ्रेश वीडियो में। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर वैकेंसी निकली है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, सीधे रिक्रूटमेंट होता है। और पेमेंट भी यहाँ पे जो है 29,000 के करीब तो बेसिक है, उसके अलावा अदर अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इससे बढ़िया जॉब कोई हो नहीं सकती जहाँ पर कि सीधे रिक्रूटमेंट हो। यदि आप किसी और जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर बिना एग्ज़ाम के नौकरी मिल रही है। और जब आपका कहीं अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी, आपकी मेहनत का फल आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हैं। तो पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, नीचे लाल सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर दबा दें, जिससे कि भूतपूर्व सैनिकों के वेलफेयर और जॉब से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहेगी। टाइम टाइम पर हम हर वैकेंसीज और वेलफेयर से रिलेटेड जानकारी डालते रहते हैं, जो कि ज़रूरी है। ये वैकेंसी पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से निकाली गई है, चपरासी के पद हैं। और पंजाब नेशनल बैंक जो कि जींद मंडल के अंतर्गत जींद एवं कैंथल जिले की स्थित शाखाओं के लिए चपरासी पद की 14 रिक्तियों हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। शैक्षिक योग्यता इसके लिए 12वीं या समकक्ष होनी चाहिए और अंग्रेजी पढ़ने व लिखने का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। डिग्री आपके पास नहीं होनी चाहिए, यदि है भी तो आपने यदि अपने जिला सैनिक बोर्ड या फिर अपने डॉक्यूमेंट में दर्ज नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु अधिकतम 1 जनवरी 2022 को 18 से 24 साल लगी गई है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आगे बताएंगे, अनुसूचित जाति को 500 वगैरह वगैरह पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई दोस्तों। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ब्रिटिश सेवाकाल के अतिरिक्त 3 साल की यहाँ पर छूट दी जा रही है। तो टोटल जो रिलैक्सेशन है वो 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। और एक बात और यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखी गई है, जो कि हर भर्ती में रहती है, कि स्थानीय निवासी यानी कि डोमिसाइल आपका उस जिले का होना चाहिए। अभ्यर्थी केवल संबंधित जिले अर्थात जींद या कैंथल का ही स्थायी निवासी होना जरूरी है। अभ्यर्थी जिस जिले का स्थायी निवासी होगा केवल उसी जिले की रिक्त पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होगा। और चयन प्रक्रिया जो आपके मार्क हैं 10th और 12th, उसके बेस पर यहाँ पर सलेक्शन होता है। वेतनमान 14,500 रुपये से 28,500 प्लस जो भी अदर भत्ते मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, वो दिए जाएंगे। लास्ट डेट अप्लाई करने की 23/2/2022 तक आपका लेटर, आपका एप्लीकेशन, साथ में जो भी अटैच डॉक्यूमेंट हैं जो कि सेल्फ अटेस्टेड होंगे, और डॉक्यूमेंट की जो मेन डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी होगी, वो पहुंच जाने चाहिए 23/2/2022 तक, जो कि पहले एड्रेस बताया था। वैकेंसीज यहाँ पर जो रखी गई है, जिनमें टोटल 8 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 पोस्ट रखे गए हैं। कैंथल में 6 पोस्ट हैं, जिसमें कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 पोस्ट रखा गया है, जिसकी आप डिटेल्स यहां पे देख सकते हैं। जो प्रोसेस है दोस्तों, आवेदन पत्र के ऊपर आप लोगों को लिखना होगा पंजाब नेशनल बैंक जींद मंडल के चपरासी पद पर नियुक्ति हेतु 2022 लिखना होगा, और जींद कैंथल अवश्य लिखें। पंजाब नेशनल बैंक जींद मंडल में चपरासी के पद पर नियुक्ति हेतु जींद या फिर कैंथल, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको लिखना जरूरी है। आवेदन मुख्य प्रबंधक मानव संसाधन विकास पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय खंड 1-4 डिस्ट्रीब्यूटेड शॉपिंग सेंटर डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर सेक्टर 10 अर्बन स्टेट जींद 126102 पे आपको भेजना होगा। आवश्यक दस्तावेजों सहित पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित करें। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन और निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अधिकाधिक आवेदन एवं आयु, शैक्षिक योग्यता, जाति वर्ग तथा अस्थायी निवासी एवं अन्य जरूरी दस्तावेज जो भी लागू हों के बिना प्राप्त होने वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे एवं इस विषय में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। और जो चयनित उम्मीदवार हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं, उनकी सूची मंडल कार्यालय जिनके नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी। तो दोस्तों, इससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको आपको उनकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके भेजनी होगी, जो कि जरूरी हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको इसका लिंक मिल जाएगा, साथ में एप्लीकेशन फॉर्म है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। यदि उससे बेहतर आपको कहीं फॉर्म मिलता है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, जो कि जो दुकान होते हैं या फिर जहाँ पे इस रिलेटेड फॉर्म वगैरह मिलते हैं वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और यदि आपको नहीं मिलता है या फिर आप इसी को भरना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये वैकेंसीज थी जो कि PNB बैंक से रिलेटेड है। आगे भी वैकेंसी आती रहेगी अन्य स्टेटों के लिए,
अन्य राज्यों के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।